नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राजद ने बड़ा फैसला लिया है। आपको मालूम ही होगा, जब बिहार में सियासत पलट रही थी और इसकी खबरें सामने आ रही थी, तो उसी वक्त राजद ने अपने मीडिया सेल को भंग कर दिया था। यानी कि राजद में कोई प्रवक्ता नहीं बचा था, यानी कि जितने भी प्रवक्ताएं थे उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन अब राजद ने नई लिस्ट जारी कर दी है और किन किन नेता को प्रवक्ता बनाया गया है यह बताएंगे। इसके अलावा ऐसे पुराने प्रवक्ता जो कि खूब मीडिया में नज़र आते थे लेकिन अब वो नज़र नहीं आएंगे, तो वो कौन से नाम है वो भी आपको हम बता देंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश के बाद यह लेटर जारी किया गया है। वहीं बता दें कि अब जबकि सियासी खेल हो चुका है, RGD ने एक बार फिर से प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा पिछले कई साल से प्रदेश प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी की भी छुट्टी हो गई है, इन्हें भी प्रवक्ताओं की टीम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा कांग्रेस से राजद में आए पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा को भी प्रवक्ता बनाया गया है। राजद ने कुल 8 प्रवक्ताओं को सूची जारी की है। इस नए लिस्ट में राजद के कई पूर्व प्रवक्ता का नाम है लेकिन बंटू सिंह और मृत्युंजय तिवारी का नाम लिस्ट से गायब है। बंटू सिंह जो कि अनंत सिंह के करीबी थे और खूब बोलते थे, उन्हें राजद ने इस बार प्रवक्ता नहीं बनाया है। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी जो कि बहुत सालों से RGD के प्रवक्ता थे, उन्हें भी लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। एक बार लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं कि किन किन नेताओं को राजद ने अपना प्रवक्ता बनाया है। इस लिस्ट में जो नाम है, भाई वीरेंद्र, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद, एजिया यादव, रितु जायसवाल, ऋषि मिश्रा, चितरंजन गगन और सतीश कुमार दास, कुल 8 नेताओं को राजद ने प्रवक्ता बनाया है। इसको लेकर राजेश यादव जो कि महामंत्री हैं राजद के, उन्होंने यह लिस्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं RGD अब इस बात का ख्याल रख रही है कि वो सत्ता में आ चुकी है और उसे विपक्ष को जोरदार जवाब देना होगा, और ये जो जवाब सवाल होगा वो काफ़ी संयम में करना होगा, शब्दों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे RGD के ऐसे प्रवक्ता थे जिसका हम आपको भी मालूम होगा कि जो कहीं बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं। RGD अब सत्ता में है तो ऐसे में विपक्ष को जोरदार जवाब देना होगा, सरकार के कामों को भी गिनाना होगा। तो ऐसे में RGD ने उन नामों को रखा है जो शब्दों का ख्याल रखते हुए विपक्ष को जवाब दे सके। आपको मालूम ही होगा कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तो किस तरह से हमलावर होती है और सरकार को घेरने की कोशिश करती है। ऐसे में RGD को इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो अब देखना होगा कि RGD ने यह भी कहा है कि जल्द ही और प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा जब अगले प्रवक्ताओं की सूची सामने आएगी तो उसमें किन किन नेताओं को शामिल किया जा रहा है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।